प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। फिल्म एबीसीडी 3 की शूटिंग कब से शुरू होगी? फिल्म में लीड रोल कौन करेगा? फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा? इंडिया की पहली डांस फिल्म कौन सी थी? इंडिया में नंबर 1 डांस कोरियोग्राफर कौन है? कौन कौन सी बड़े बजट की फिल्म फ्लॉप हुई थी? इंडिया की अब तक की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म कौन सी है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म एबीसीडी 3 के बारे में। ABCD 3 सीक्वल ऑफ फिल्म ABCD। टीवी शो डांस प्लस में धमाल मचाने वाले रेमो डिसोजा अपनी नई फिल्म ABCD 3 की फाइनली तैयारियों में जुट गए हैं। कलंक की शूटिंग खत्म होने के बाद ABCD 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ABCD 3 फिल्म सीक्वल है ABCD का, जिसे डायरेक्ट किया था रेमो डिसोजा ने। फिल्म ABCD यानी कि एनीबॉडी कैन डांस, ये फिल्म व्यूवर्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। ABCD इंडिया की पहली 3D में बनी डांस फिल्म थी। एक डांस कंपटीशन पर बनी फिल्म ABCD ने दर्शकों को अंतक बांधे रखा और एंड में दर्शकों के दिलों में जीत और खुशी का एहसास छोड़ गई। ये एक ऐसी फिल्म है जिससे कि इंडिया खुद जुड़ा हुआ पाएगा। प्रभु देवा और गणेश आचार्य का डांस लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। कई डांस स्टाइल तो ऐसे थे जिन्हें देखकर शायद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह गई होंगी। फिल्म का प्लॉट थोड़ा कमजोर था, जहां पर फिल्म मात खा गई, वरना फिल्म काफी बेहतरीन थी। फिल्म का डांस फिनाले किसी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से कम नहीं। इस सीन को देखते समय आपके दिलों में कुछ रोमांच जरूर पैदा हुआ होगा। बात करें कहानी की तो विष्णु यानी कि प्रभु देवा बहुत पैशनेट हैं। वो अपने पार्टनर JD के साथ मिलकर एक डांस एकेडमी शुरू करते हैं। बाद में JD मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और विष्णु बहुत ही निराश हो जाते हैं। वो मुंबई छोड़ अपने शहर वापस जाने का फैसला करते हैं और तभी उनकी मुलाकात एक टैलेंटेड डांसिंग ग्रुप से होती है, जो कि एक डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। विष्णु फैसला करता है कि वो उन्हें बेहतरीन डांसर के लिए ट्रेन करेगा। फिल्म में JD का रोल कर रहे KK मेनन, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बेहतरीन है। उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया और प्रभु देवा भी अपने डांस में परफेक्ट दिखे। बतौर एक्टर भी वो अच्छे लगे। इस फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद फिल्म आई ABCD 2। फिल्म में लीड रोल में थे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर और बाकी की पूरी कास्ट सेम, लेकिन स्टोरी पूरी अलग। ये कहानी एक रियल डांस ग्रुप की कहानी थी। बात करते हैं ABCD 3 की। बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे महंगी डांस फिल्म होगी, जो केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कैटरीना कैफ नजर आएंगी। वरुण धवन की अभी लास्ट फिल्म थी अक्टूबर, फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, और कैटरीना कैफ की लास्ट मूवी थी वेलकम टू न्यूयॉर्क। ये दोनों ही एक बेहतरीन डांसर हैं और एक्टर भी हैं, ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं, और उससे भी अच्छे ये दोनों हार्ड वर्किंग लोग हैं। वरुण धवन के डांस की बात करें तो उन्हें हमने ABCD 2 में देखा है डांस करते हुए, और वो कितने अच्छे डांसर हैं हम सभी जानते हैं। वहीं कैटरीना कैफ को हमने धूम 3 में देखा और फिल्म फितूर में भी देखा। ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं। वरुण धवन का कहना है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रेमो डिसोजा। रेमो डिसोजा डांस कोरियोग्राफर हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन उनका नाम इंडिया में टॉप 14 के रैंक पे आता है और पहले नंबर पे है अहमद खान, दूसरे नंबर पर फराह खान। वरुण धवन का आगे कहना है कि मैं रेमो डिसोजा के साथ दोबारा हाथ मिलाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। हमें ABCD 2 के बाद एक कमाल की स्टोरी की तलाश थी जिस पर हम दोनों फिर से हाथ मिला सकते, और जब रेमो और तुषार मेरे पास अपना आइडिया लेकर आए तो वो मुझे काफी पसंद आया। जहाँ पिछली ABCD एक रियल डांस ग्रुप की कहानी थी, वहीं इस बार भी हम व्यूवर्स के सामने एक रियल लाइफ स्टोरी पेश करने जा रहे हैं। जब वरुण धवन और कैटरीना कैफ की इस नई फिल्म का ऐलान किया गया था, तब रेमो ने ये दावा किया था कि उनकी ये फिल्म इंडिया की सबसे महंगी डांस फिल्म होगी। देखा जाए तो बॉलीवुड में अब ये क्रेज हो गया है कि जितनी महंगी फिल्म उतनी ही सक्सेस, और ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ अभी हो रहा है, ये पहले भी होता था। आपको 60s की फिल्म मुगले आजम तो याद होगी ही, उस समय उस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख। हालांकि वो फिल्म अब तक की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म मानी जाती है। उसके बाद आपको बता दूं लव स्टोरी 2050, हरमन बवेजा और प्रियंका चोपड़ा, उस समय उस फिल्म का बजट था 80 करोड़। ये फिल्म एक सुपर फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद आई द्रोणा, बजट 60 करोड़। आपको बता दूं कि इस फिल्म में सिर्फ एडिटिंग में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वो भी सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में। ब्लू, बजट 125 करोड़, फिल्म फ्लॉप। काइट्स, बजट 125 करोड़, फिल्म फ्लॉप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप ही होती हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही हैं, जैसे कि गजनी, टॉन 2, क्रिश 3 और भी बहुत सी। वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन भी रेमो डिसूजा के इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वरुण के अनुसार रेमो की ये फिल्म उम्मीद से कहीं बड़ी होगी। उनका कहना है कि इसके माध्यम से हम न केवल इंडिया बल्कि दुनिया के दर्शकों को अट्रैक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म से भी हम दर्शकों के सामने अपनी बात रखना चाहेंगे, न कि सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने, मतलब कि रेमो
डिसोजा ने न केवल इस फिल्म को बड़े लेवल पर शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं बल्कि इस फिल्म को रिलीज भी एक बड़े स्केल पर करना चाहते हैं। वरुण धवन ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म 4DX में रिलीज हो और अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म इंडिया की पहली 4DX फिल्म होगी। देखा जाए तो रेमो डिसोजा ने अपनी फिल्म रेस 3 में भी ऐसा ही कुछ किया है। रेस 3 पहली ऐसी फिल्म है जो 360 डिग्री विजुअल्स पे रिलीज हुई है और रोबोट 2.0 ये पहली फिल्म है जो 3D कैमरे से शूट हुई है। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। लोगों का कहना है कि पहली फिल्म 3D ABCD थी। बिल्कुल, पहली फिल्म थी ABCD जो 3D में रिलीज हुई थी, उसे 3D कैमरे से शूट नहीं किया गया था। और रोबोट 2.0 पहली फिल्म है जिसे 3D कैमरे से शूट किया जा रहा है। ABCD जब फिल्म शूट हो चुकी थी तो उसे बाद में कन्वर्ट किया गया था 3D में, लेकिन रोबोट 2.0 में ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी 3D में शूट हो रही है। बात करते हैं ABCD 3 की। फिल्म में लीड रोल में है वरुण धवन और कैटरीना कैफ और ये दोनों ही जबरदस्त डांसर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ने हाथ मिलाकर इस फिल्म का लेवल और बढ़ा दिया है। वरुण धवन के अनुसार कैटरीना कैफ की इस फिल्म के लिए हाँ करते ही ये फिल्म बहुत बड़ी हो गई है और उनका कहना है कि मैं कैटरीना कैफ के साथ शूटिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हर कोई जानता है कि वो कितनी बड़ी स्टार है, हालांकि मैं उनकी मेहनत का सराहना करना चाहूंगा। उन्होंने लगातार ये साबित किया है कि वो एक सुपरस्टार है। फिल्म की तैयारियों को लेकर वरुण धवन ने बताया कि इस फिल्म में हम दोनों फिल्म के बारे में काफी सारी बातें करते हैं, डांस वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे हम दोनों दिमागी तौर पर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम दोनों अलग अलग डांस फॉर्म की बात करते हैं जो हम साथ में कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि इंडिया की पहली डांस फिल्म कौन सी थी? आपको बता दूं कि वो फिल्म थी कल्पना, 1948 हिंदी फिल्म डांस ड्रामा। फिल्म डायरेक्टेड बाई उदय शंकर, फिल्म प्रोड्यूस बाई उदय शंकर और फिल्म रिटन बाई उदय शंकर। फिल्म में लीड रोल में थे उदय शंकर और आमला शंकर। तो यहाँ से डांस फिल्मों की शुरुआत हुई। ABCD 3 फिल्म को लेकर वरुण धवन ने कहा कि हम जल्द ही दोनों फिल्म की तैयारियां शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि फिल्म का बजट कितना होता है, फिल्म की स्टोरी कैसी होती है और सबसे बड़ी बात, फिल्म कितने का कलेक्शन करती है। पहले 8 फरवरी 2013 में ABCD और फिर इसके 2 साल बाद 19 जून 2015 में ABCD 2 और अब 3 साल बाद जून 2018 में ABCD 3। मतलब साल पर साल आगे बढ़ रहे हैं और रेमो डिसूजा ABCD से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। रेमो डिसूजा बहुत ही जल्द अपनी ABCD की फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट शुरू करने वाले हैं। शुरू से ही ये फिल्म अपनी स्टार कास्ट को लेकर चर्चाओं में आ गई है, क्योंकि फिल्म के लिए पहले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को अप्रोच किया गया था और तभी से हर तरफ ये जानने की इच्छा बन गई है कि फिल्म में सभी के भाईजान सलमान खान भी होंगे या नहीं। हाल ही में सलमान खान ने खुद इस रूमर्स को साफ करते हुए कहा है कि नहीं, मैं ABCD 3 में रेमो डिसूजा के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, रेमो के साथ मेरी एक फिल्म जरूर आ रही है। अभी उस फिल्म का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो एक डांस फिल्म होगी और उस फिल्म में मैं एक 13 साल की बच्ची के फादर का रोल अदा करूंगा। सलमान खान ने द इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में कहा है कि ये एक डिज्नी प्रॉपर्टी है और हाँ, ये फिल्म भी एक डांस फिल्म होगी, पर हर डांस फिल्म ABCD तो नहीं हो सकती ना। एक खबर से पता चला है कि सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म के लिए काफी सारे डांस फॉर्म की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब डांस फॉर्म कौन कौन से हैं ये तो फैंस के लिए सरप्राइज है। वैसे क्या हो सकता है, क्या सलमान खान हिप हॉप करते नजर आएंगे या फिर सालसा या क्लासिक या फिर कंटेम्पररी? अब ये तो सरप्राइज वाली बात ही है। अब देखा जाए तो सलमान को लेकर एक तरह से ये बात अफवाह भी है और सच भी, क्योंकि सलमान खान रेमो डिसूजा के साथ काम जरूर कर रहे हैं पर ABCD 3 में नहीं। और अब ये सुनने के बाद इस बात की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है कि क्या होगा मूवी का नाम जिसमें दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, सलमान नहीं तो फिर और कौन? तो भैया और कौन, कोई नहीं तो वो अपने तो है ही ना। अरे वही अपने धवन साहब के बेटे और शक्ति कपूर की बेटी, अरे वरुण और श्रद्धा। जी हाँ दोस्तों, रेमो डिसूजा ने अपनी स्टार कास्ट के लिए वरुण धवन और श्रद्धा कपूर को कास्ट किया है और अब शायद ABCD 3 में 1 और 2 दोनों की स्टार कास्ट को मिलाकर लिया जाएगा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं ABCD 3 में प्रभु देवा होंगे या नहीं। तो भैया बात ऐसी है कि प्रभु देवा के बिना फिल्म ऐसी लगेगी जैसे बिना नाड़े के पजामा। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा का कहना है। जब रेमो से इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया कि क्या ABCD 3 में प्रभु देवा होंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ABCD 3 में प्रभु देवा होंगे, क्योंकि उनके बिना फिल्म अधूरी सी लगेगी। जब ABCD और ABCD 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब प्रभु सर के लिए ये स्पेशली रोल लिखा जा रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब इस थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रभु सर ना हो। अगर मैं माइकल जैक्सन के बाद किसी के डांस स्किल को एडमायर करता हूँ तो वो है प्रभु सर। पहले उनकी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा इशू हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी लैंग्वेज भी बेटर हो रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ABCD 3 में प्रभु सर होंगे। वैसे रेमो अभी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है, पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जून 2018 के लिए ABCD 3 को प्लान किया हुआ है। अभी तक तो हमने यही सोचा है कि फिल्म की स्टार कास्ट के लिए ABCD 2 के लीड्स को ही लिया जाए, पर जैसे जैसे फिल्म की शूट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फिल्म्स को लेकर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब ये तो कंफर्म है कि ABCD 3 बन रही है, इसमें सलमान खान नहीं है। सलमान खान
खान एक डांस फिल्म जरूर कर रहे हैं रेमो डिसूजा के साथ, पर वो एबीसीडी 3 नहीं कोई और है और अभी उसका नाम फाइनल नहीं हुआ है। और अब देखना है दोस्तों, आपकी तरह हमें भी इंतजार रहेगा कि क्या होगा फिल्म का नाम और क्या होगी स्टोरी। अब ये तो फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, तब तक तो सरप्राइज ही बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और रेमो डिसूजा की आने वाली फिल्म एबीसीडी 3 के बारे में आपके क्या रिव्यू है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।